हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल UI Man में। और आप देख रहे हैं सीरीज UI Development। ये सीरीज के अंदर हमने HTML अभी स्टार्ट किया है। तो HTML के पिछले वीडियो में हमने सीखा था पैराग्राफ किसे कहते हैं और पैराग्राफ यूज कैसे करते हैं और पैराग्राफ को डिफाइन कैसे, पैराग्राफ मीन्स बनाते कैसे, उसका प्रैक्टिकल करके भी देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे डीप टैग क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा। द डिव टैग डिफाइंस अ डिवीजन ऑफ सेक्शन इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मींस डिव टैग डिफाइन करता है डिवीजन और सेक्शंस को इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। डिव टैग डिवीजन और सेक्शन के लिए यूज होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। वी कैन डिवाइड एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट और द इंटायर वेब पेज इनटू वेरियस सेक्शन और डिवीजन यूजिंग डिव टैग। मींस हम हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को डिव टैग का यूज करते हुए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेशन करते हैं। हम डिव टैग का यूज करके हमारे इंटायर पेज, जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट पूरा पेज जो होता है हमारा, उसे अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द डिव टैग इज ऑफ्टन यूज्ड द कंटेनर फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स स्टाइल देम विद सीएसएस। पूरे इंटायर डिव को, जो डिव सेक्शन जो लेते हैं हम, डिव टैग से जो सेक्शन एक बनाते हैं, ब्लॉक जो बनाते हैं, उसको सीएसएस के थ्रू स्टाइलिंग भी करते हैं और उसे एक कंटेनर के तौर पे यूज करते हैं। इसे ये सीएसएस क्या होता है और ये कंटेनर क्या होता है, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस पर प्लीज इतना ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आपको ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। विद इन द डिव टैग्स वी कैन एड एनी नंबर ऑफ टैग्स एंड डिस्प्ले लाइक अ डिवीजन और सेक्शन और कंटेंट ऑन द वेब पेज। डिव टैग का यूज करते हुए हम नंबर ऑफ टैग्स को डिस्प्ले करते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, अलग अलग पार्ट्स डिवाइडेशन करके डिस्प्ले करते हैं और सेक्शन के थ्रू कंटेंट अलग अलग तौर पे बताते हैं, इसमें मीन्स डिस्प्ले करते हैं। मीन्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है ये, देखिए अभी बाय डिफॉल्ट नो स्टाइल विल बी एडेड फॉर ड्यू टैग। बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइल इसके अंदर ऐड नहीं होती है, इसमें हमको मैन्युअली जाके करना पड़ता है। वी मे हैव टू यूज CSS टू अप्लाई कस्टम CSS स्टाइल्स। मैंने जैसा कि बताया था आपको, इसमें बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइल नहीं होती है, यह हमें अलग से कस्टम स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ती है मैन्युअली जाके। अब ये तो होगा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। मीन्स ये जो इंटायर रेड कलर का जो बॉक्स दिख रहा है रेक्टेंगल, इसे हमने डिव टैग की मदद से बनाया है। तो ये कंटेनर के तौर पे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर काम करता है, वर्क करता है। और जैसा कि हमने बताया था हमारे स्लाइड के ऊपर कि इसके अंदर आपको, इसी के अंदर आप अनगिनत मीन्स अलग अलग टैग्स यूज कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पर यूज किया है ये HTML यहाँ पे मीन्स राइट करने के लिए H1 टैग का यूज किया है यहाँ पर, और उसके बाद एक P टैग का मीन्स पैराग्राफ टैग का एक इसमें इस्तेमाल किया है और उसके मदद से एक डिव बनाया है और कुछ CSS कस्टम CSS इसमें अप्लाई किए है। और ये जो बॉक्स के जो बाहर से आपको बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं, ये शेडो नजर आ रहा है, ये भी हमने कस्टम स्टाइलिंग की है। ये तो होगा इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए हम आ गए हैं हमारे फाइल के अंदर। पिछली वीडियो में हमने इसका एग्जांपल किया था ये पैराग्राफ का। तो चलिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक कंट्रोल एस करता हूँ, ये डिव टैग के नाम से एक बना लेता हूँ .html, एंटर। ये देखिए HTML की एक फाइल बन चुकी है। चलिए मैं जल्दी जल्दी टाइप कर लेता हूँ, आपको तो पता ही है HTML हेड टैग, उसके अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर मैं ले लेता हूँ अपना ही इस फाइल का नाम ही ले लेता हूँ डिव टैग। उसके बाद बॉडी टैग, बॉडी के अंदर आप डिफाइन करेंगे हमारे डिव टैग के अंदर डिव टैग को। तो चलिए सबसे पहले हमने जो आपको स्लाइड पे जो मीन्स एग्जांपल बताया था, वही एग्जांपल को इसमें करके देखते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में हमने H1 लिया था, उसके बाद पैराग्राफ, अब लेंगे हम सिर्फ डिव, DIV डिव टाइप करके टैप करेंगे, एक डिव का एक टैग बन जाएगा। इसके अंदर अब हमारी पूरी मीन्स कोडिंग करेंगे हम। इसके अंदर मैं एक H1 ले लेता हूँ, H1 के अंदर HTML ले लेता हूँ, HTML के बाद एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ,
इसके अंदर लॉरेन 25 नहीं सॉरी ज़्यादा ले लेता हूँ, इसमें 55 लेता हूँ कि अच्छे से आपको नज़र आए। तो ये सेव करता हूँ मैं, सेव के बाद ये ब्राउज़र पे हम इसको रन करेंगे। ये देखिए ये HTML आ गया है और ये पैराग्राफ आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक नोटिस कीजिए आप, जो हमने डीप टैग लिया था उसकी कुछ स्टाइलिंग तो नज़र आ नहीं रही है हमें, तो कैसा पता चलेगा कि ये डीप टैग के अंदर जो है तो हमारा कंटेंट, डीप टैग के अंदर हमारा कंटेंट है। तो उसके लिए मैं जैसा हमारे स्लाइड में देखे थे, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइलिंग होती नहीं है, हमें मेंशन करना पड़ता है, मीन्स हमें कस्टम स्टाइलिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा, चलिए इसमें हम कस्टम स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी पूरी इंटायर बॉडी का कलर चेंज करते हैं, पहले ये बीजी बैकग्राउंड, ये CORL कलर, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, सेव करते हैं और जाके ये देखिए पूरा बॉडी का कलर चेंज हो गया। अभी हमें जैसा कि मैंने बताया था हेड टैग के अंदर, अभी और अभी हम और दूसरे भी टैग्स को यूज़ करके हमारी पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये स्टाइल टैग जो CSS का टैग है, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, इस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ स्टाइलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। ये इसके अंदर हम डिव को मेंशन करेंगे, मीन्स डिव की स्टाइलिंग करेंगे। ये डिव कर्ली ब्रैकेट्स बैकग्राउंड सॉरी रेड नहीं येलो येलो कर देता हूँ, चलिए येलो, ये देखिए येलो कलर आ गया है। इसके अंदर थोड़ी सी की पैडिंग, थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ मैं 15 पिक्सल, ये देखिए पैडिंग मिल रही है। लेकिन इसके कॉर्नर जो है हमें राउंड शेप करना है थोड़ा, ये बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल अभी ले लेगा ये देखिए। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे शेडो भी था, इसमें हमारे जैसा थे हम शेडो भी दे देंगे उसमें, बॉर्डर शेडो 0 पिक्सल 10 पिक्सल ये 15 पिक्सल्स वाइट वाला था अपना, तो वाइट में हमारा वाइट वाला था, वाइट था इसलिए हम वाइट भी डिफाइन कर देंगे। ये देखिए सॉरी हम माइनस करेंगे, इसे भी 10 करता हूँ मैं। ये देखिए हमारा आगे थोड़ा इसे नीचे लेते हैं, मार्जिन टॉप से इसे 25 पिक्सल दे देंगे, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये देखिए अभी अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम हमारी स्टाइलिंग करते हैं। ये स्टाइलिंग का पार्ट हम बाद में देखेंगे, सिर्फ आपको बेसिक स्टाइल को यूज़ करने के, मीन्स हमने जो हमारा प्रैक्टिकल जो थियोरेटिकल जो स्लाइड में देखा था उसे अप्लाई करने के लिए मुझे ये स्टाइल का यूज़ करना पड़ा, नहीं तो हम इसमें भी हमारे टैग के अंदर भी मेंशन कर दे सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये डी टैग को नहीं लेगा, उसीलिए मैंने स्टाइल को मीन्स CSS के थ्रू अप्लाई किया है। ये वीडियो का साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर से आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट ज़रूर कीजिए हमें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्पैन टैग के बारे में, जानेंगे कि स्पैन टैग क्या होता है।